नमस्कार, स्ट्रीट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। कटिहार के बरारी चांदपुर दियारा में गैंगवार में चार लोगों की हत्या और अब तक कई लोग लापता होने की खबर अब राजनीतिक रूप लेने लगा है। 2 दिसंबर को दिल दहला देने वाली घटना के बाद पूर्व सांसद पप्पू यादव घटना स्थल पर पहुंचकर इस हत्या के पीछे भाजपा कनेक्शन की आरोप लगाया था और अब इसी लाइन पर आगे बढ़ते हुए महागठबंधन की तरफ से माले के वरिष्ठ नेता वर्तमान विधायक महबूब आलम ने गंगा दियारा की घटना को भाजपा के साजिश हिस्सा बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना में ठीक से जांच होनी चाहिए। उनके पास जो इनपुट मिला है उसमें भाजपा सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह का साजिश रच रहा है और जल्द ये साजिश बेनकाब होना चाहिए। वहीं माले के दिग्गज नेता महबूब आलम के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि भाजपा पर ऐसा मनगठंत आरोप हास्यास्पद है। पूरे बिहार में आरोपियों का मनोबल कैसे बढ़ा है और इसके पीछे क्या वजह है, यह लोगों को अब समझ में आने लगा है। जहां तक दियारा के इस घटना का सवाल है तो इसमें दूर दूर तक भाजपा का कोई मतलब नहीं। भाजपा भी चाहते हैं कि सरकार दियारा के इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई करे। क्या मानते हैं आप लोग लंबे दिन से? देखिए, दियारा के इलाका लंबे समय से शांति स्थिति थी वहाँ। अभी जो एक भयंकर घटना घट गई तो इसमें मुझे लगता है कि पुलिस को चाहिए इस घटना की जांच पड़ताल में इसमें राजनीतिक संलिप्तता क्या है, कौन सी राजनीतिक व्यक्तित्व से उन अपराधियों को संरक्षण मिलता है। यहाँ बात है, मुझे लगता है कि कटिहार हेडक्वार्टर से भी ये सारी साजिश हो रही है हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए, गठबंधन की सरकार को बदनाम करने के लिए। अचानक ये घटना नहीं घट रही है, इधर 5-6 साल से देखते हैं इलाका शांति था, अचानक सरकार बदलने के साथ साथ इस तरह की भयावह घटना घटती है। तो मुझे निश्चित रूप से, मैं इत्मीनान है मुझे कि ये राजनीतिक संलिप्तता है, इसकी जाँच होनी चाहिए। 5-5 लोगों को क्रूरता से हत्या कर दिया जाता है, क्या लगता है कि जो आपका प्रशासन, आपकी जो सरकार है उस पर लगता है कि फिर से जंगल राज वाला वो स्थिति लोग आरोप लगाते हैं उसको? देखिए, जंगल राज की बात नहीं है, जंगल राज का आरोप जो लोग लगा रहे हैं वही तो हम बोल रहे हैं। पुलिस इसको जांच करे, खोजबीन करे, तह तक जाए और राजनीतिक संलिप्तता आए ना सामने, स्पष्ट हो जाएगा चीज। और तो उस हिसाब से हम लोग भी बात करेंगे सीएम से कि इसको विशेष रूप से देखा जाए किस तरह से इस इलाके को, सीमांचल को बदनाम करने की साजिश भाजपा कर रही है। सीमांचल जैसे शांत इलाके को यूनियन टेरिटोरी में बदलने की जो साजिश उठी है, इन साजिशों के तहत इन घटनाओं की संलिप्तता है कि नहीं, ये देखना चाहिए। हत्या की बात है, 4 डिगोडी मीटर, इस बीच महागठबंधन के बड़े नेता महबूब आलम का आरोप है कि भाजपा इस तरह से करवा रहे हैं ताकि सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को जो फेलियर दिखाया जाए, बदनाम किया जाए, किस तरह से देखते हैं? अरे देखिए, जो दियारा क्षेत्र की घटना है वो स्पष्ट है कि महागठबंधन की सरकार के अस्तित्व में आने के बाद इस तरह की आपराधिक घटनाएँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और उसका कारण स्पष्ट रूप से जानते हैं कि महागठबंधन के जो सहयोगी हैं और जो अपराधी हैं उनका मनोबल कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़ा है, उसके कारण इस तरह की वारदात हुई है और कई लोग इसमें मारे गए हैं। और महागठबंधन के नेता अगर भाजपा पर आरोप लगाते हैं तो इससे बढ़ के और हास्यास्पद बयान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के वारदातों को कभी प्रश्रय नहीं देती है। हम सब तो सबका साथ, सबका विश्वास और एक अच्छा शासन दे रहे हैं, इसलिए इस तरह की घटनाएं किस कालखंड में होती रही है यह बिहार के लोगों को पता है। आखिर इसके पहले इस तरह के वारदातें दियारा क्षेत्र में होती थी लेकिन उसे नियंत्रित किया जाता था, लेकिन अभी तो खुलेआम इस अपराधियों का एक दौर चल पड़ा है और मुझे लगता है कि यह दौर बिहार को कहीं ना कहीं विकास के रास्ते से हटाकर विनाश के रास्ते की ओर बढ़ चुका है। यह सरकार अपराध को रोकने में पूरी तरह विफल है, इस सरकार को रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।